गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जय श्री राम, जय श्री गणेशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि प्रोडक्शंस। तो आज मैं हिंदी नगर में हूँ, तो जैसा कि मेरे चैनल में आपको सिर्फ यूनिक गणेश महाराज जी के आइडल्स देखने को मिलेंगे, तो मेरे पीछे आप देख सकते हो इतना बड़ा गणेश जी का आइडल नंदी जी पे बैठे हुए शिव जी के अवतार में। तो इसका नाम इन्होंने दिया है हिंदी नगर के महाराजा। तो चलो इनसे बात करके देखते हैं ये कॉन्सेप्ट, इनको इसका आइडिया कहाँ से आया और कितने साल से इनका एसोसिएशन यहाँ पे है। तो जय श्री राम, जय श्री गणेश। जय श्री राम। गणपति बप्पा मोरिया। ना आपका एसोसिएशन कितने साल से? आप 60 प्लस ईयर से है अपना एसोसिएशन। 60 प्लस ईयर से है। क्या बोलते, गली के बड़े बिठाते थे पहले सब। अच्छा। वो लोग बिठा के फिर भैया लोग करे, भैया लोगों के बाद फिर हम लोग करे, एक 4 साल से कर रहे हम लोग। अच्छा। और ये क्या है, ये एरिया में पूरा बैठते गणेशा ने बोल के नहीं, लेकिन अपन लोग आए जब से थोड़ा हाइट में बड़ा करना चालू करे। और ये 7 हिंदी नगर में 7 गली आए, 7 गलियों में से हर एक गली नॉर्मल रहता, ये बड़े अपना ही बड़ा गली है। अच्छा। सो ये 60 ईयर से चलते। तो आपके एसोसिएशन का नाम? अभिमन्यु एसोसिएशन। अभिमन्यु एसोसिएशन। तो जैसा कि आपने कहा 60 प्लस ईयर से आप बिठा रहे हो, तो आपके दादाजी वो लोग बिठाते थे। तो अभी आप कितने लोग हैं ना? अभी हमारा देखो ग्रुप उतना बड़ा नहीं है, अब हम लोग जितने दिख रहे ना यही एज वाले हैं पूरे। अच्छा। 10-15 मेंबर, ज्यादा बड़े लोग हैं। और ये पॉलिटिशियन कुछ भी नहीं, अब लोग सोचते इतनी बड़ी मूर्ति बिठाते हैं, इनको स्पॉन्सर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग दोस्तों मिल गए, बस बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली हम सब मिलके इनो गणेश जी के त्यौहार पे इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम सब यूनिटी रहे, सब साथ में रहे, सब मिलकर एक त्यौहार के जैसा मनाए। तो अभी ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किसको आया ये आइडिया? बहुत ही विशाल मूर्ति है नंदी जी पे, शिव जी के अवतार में बैठे हुए गणेश जी। तो ये कॉन्सेप्ट या आइडिया किसको आया? एक्चुअली क्या था, थोड़े साल से था कि ऐसा शिव जी की मूर्ति बिठाना है, शिव जी के स्टाइल में। अच्छा। शिव जी के रूप में गणेश जी को स्थापित करना है बोल के। अच्छा। तो ये बार हम लोग कभी भी दो साल से चौधरी आर्ट से ले रहे मूर्ति। अच्छा। तो ये बार देख रहे थे कौन सा सूट होता क्या है, देखे तो अब नंदी महाराज के दिखे, शिव जी दिखे और ये पूरा पीछे दबी थी मूर्ति। अच्छा। तो जाके ढूंढ के देखे तो मिले और पहली बार में बुक कर दिए। अब उन्होंने इतनी बड़ी मूर्ति, उन्होंने स्पेसिफिकली बोले कि मैं ऐसा नॉर्मल एसोसिएशन को नहीं देता हूँ, कोई बड़े आना पॉलिटिशियन ऐसा है तो देता हूँ। अब फिर भी हम लोग जीत पे थे, शिव जी की होना तो होना, बस आशीर्वाद है महाराज का। हाँ। आगे आपके पास। तो अभी ये कितने फीट का है? अभी ये 1920 फीट रहेगा भैया। हाँ। और ऐसा भी 20 फीट है। अच्छा, ऐसा भी? ऐसा भी 20 फीट है लंबा। अब देखो पूरा, और ये दुम जो है ना। हाँ। और बड़ी धूम थी। अच्छा, तो आप इसको चेंज कर लिए? चेंज कराए कई को बोलते। अब ये 9 गलियां है बोले ना। हाँ। उसमें रूट ये एक ही गली से जाता पूरों को कनेक्ट, पूरे गली वहां पे गणेश बिठा देते, पैक कर देते। अब अपने को क्या है, सबका सोचना पड़ता जी। तो सोच के गैप रखे, अब दूसरा अच्छा, भी जाने आने के लिए रास्ता। हाँ। तो अभी ये 11 दिन आप बिठाने वाले हो गणेश जी, तो कुछ इवेंट्स आप करने वाले हो? हाँ, अपने पास डेली थोड़ा स्पेशल डेकोरेशन चेंज करना बोल के सोच रहे। अच्छा। अभी अब आज तो फर्स्ट डे है, थोड़ा काम नहीं हुआ। नेक्स्ट दिन से अभी डमरू वगैरह, डेली डमरू के हैंगिंग्स। ओके। और ऐसा बेल्स आते हैं शिव जी के। हाँ, डेली करना सोच रहे, कुछ कुछ करेंगे। अन्नदान ऐसा कुछ भी? अन्नदान भी है और अपना गणपति होमम भी करते हैं सुबह के टाइम। हाँ, तो एवरीडे होता है या फिर वो कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर डे पे है, अभी प्लान कर रहे हैं। अभी आज ही फर्स्ट डे है ना, तो सबका हिसाब से देख के किसको कौन सा दिन वायबल रहेगा वो हिसाब से करेंगे सब। ठीक है, तो आप आइए हिंदी नगर को, आइए ये गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए, इनसे मिलिए, प्रसाद भी लीजिए, यहाँ पे अन्नदान भी करते हैं ये लोग। तो इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो धन्यवाद अन्ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन्फॉर्मेशन और जानकारी देने के लिए हमें। बोलो गणेश महाराज की जय, गणपति बप्पा मोरिया। धन्यवाद भाई, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री गणेशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि प्रोडक्शंस। तो जैसा कि आप मेरे चैनल्स पे पूरे यूनिक गणेश देखने को मिलते हैं आपको, तो आज मैं और एक यूनिक गणेश आपके सामने लेके आ रहा हूँ हिंदी नगर में गोशा महल में। तो चलो इनसे बात करके देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है, कितने साल से ये बिठा रहे ना। जय श्री राम, जय श्री गणेशा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अन्ना आपका एसोसिएशन का नाम? श्री सिद्धि विनायक फ्रेंड्स एसोसिएशन। कितने साल से बिठा रहे आप ये? कम से कम 45 इयर्स के ऊपर ही छुआ, हम लोग लेके 15 इयर्स हो रहे। ये साल यूनिक बन गए, पहला साल है। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्या है बोले तो, T20 वर्ल्ड कप जीती ने इंडिया। अच्छा, वो हिसाब से बिठा है। वो हिसाब से 2020 वर्ल्ड कप। लगभग कितना हाइट का है ये? लगभग 16 फीट है। 16, उसके अंदर फ्लैग आएगा। अच्छा,
तो अभी ये पूरा डेकोरेशन नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ, आज पहला दिन है ना, खाली इसमें फ्लैग आने वाला है, खाली एक चूहा अभी आने वाला है समझो। अच्छा, मोशक जी और एक आने वाले होने वाले, फ्लैग आने वाला। अच्छा, तो अभी इसके बाद ये फ्लैग के बाद और कुछ डेकोरेशन नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल खाली करके यहाँ सामने आएगा, खाली चैंपियनशिप बोल गया बस उतना ही। ठीक है, तो अभी ये तो पूरा पंडल आपने इंडियन फ्लैग के कलर में कॉम्बिनेशन में किया हुआ है, तो अभी आप कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाले हो? नहीं नहीं, कुछ भी इवेंट्स नहीं, खाली अन्नदान होंगे आपका। अन्नदान, वही बहुत सबसे बड़ा इवेंट है, अन्नदान। महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए, प्रसाद लीजिए। बच्चे होंगे तो नॉर्मल प्रोग्राम्स कुछ छोटे छोटे कर लेते, लेडीज डेली का हो। ओके, बस तो ठीक है। तो अभी अन्नदान रोज करते हैं आप? या नहीं, अन्नदान पर्टिकुलर नहीं, पर्टिकुलर डे मंडे के दिन बोल के फिक्स हुए, मंडे आने वाले ये मंडे। तो आप आइए मंडे के दिन, आइए आशीर्वाद दीजिए बप्पा जी का, और प्रसाद भी लीजिए उनके पास, यहाँ अन्नदान करने वाले। तो आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है इन्होंने, जैसा कि इस बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है 2020 का, वही कॉन्सेप्ट है इन्होंने बनाया है। बप्पा का आइडल थोड़ा छोटा है, बट वर्ल्ड कप का आइडल जो है वो बहुत बड़ा है, और इसमें और थोड़े बहुत वो लोग एडिशन करने वाले, जैसे कि फ्लैग आने वाला है, और एक मोशक जी का और एक छोटा आइडल आएगा, और नीचे चैंपियनशिप बोल के ऐसा कुछ लिखने वाले हैं। तो सर जी, आप हर साल इसी तरह इतने हाइट का बिठाते हैं या फिर कुछ? नहीं, आज ये साल से बिठाएंगे बोल के सोच, ये साल से क्यों इस तरह, इस साल से बड़ा बिठाने का क्या सोच? अब ये साल क्या बोले तो, इससे पहले क्या टीम नहीं थी? अच्छा, क्या जय भवानी फ्रेंड्स सेशनेबल की ऑलरेडी टीम थी, बहुत बड़ी टीम आपका ना, ये पूरे टीम मेंबर्स ही थे, बहुत कम देखने को मिलते इतने सारे लोग इकट्ठा होके बप्पा जी के, पूरे मिलके कर रहे हैं ये बार, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह हम बप्पा जी के उत्सव पे हम सब इकट्ठा होते हैं और गणेश बिठाते हैं और बहुत सारे इवेंट्स और जैसे कि अन्नदान ये करते हैं। तो 11 दिन बिठाने वाले या कुछ? नहीं, 11 डेज, 11 दिन बिठाएंगे, 11 दिन के बाद ही विसर्जन होगा, विसर्जन होगा। तो आइए, डेफिनेटली आइए, आप हिंदी नगर में आइए, गणेश देखिए, आशीर्वाद लीजिए, प्रसाद लीजिए, और इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जय श्री राम, जय श्री गणेशा, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ऋषि प्रोडक्शंस। तो आज मैं हूँ बेगम बाजार में। तो जैसे कि मैं बताता हूँ, मेरे चैनल में सिर्फ यूनिक गणेश आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये और एक पहलवान गणेश आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो अभी इसका थोड़ा डेकोरेशन बाकी है मेरे हिसाब से। तो बाजू में देखिए मोशक महाराज जी किस तरह बैठे हैं, तो उसके पीछे गणेश जी पहलवान अवतार में हैं, तो एक पत्थर पे खड़े हैं। तो ये लगभग 15-16 फीट का आइडल है, बहुत ही यूनिक है ये। अभी शस्त्र नहीं दिया हुआ है इनके, तो अभी इसका डेकोरेशन बाकी है। मैंने एसोसिएशन वालों से बात की थी, तो वो अभी तो कुछ बिजी है काम में। तो इस देखिए, ये ऐसे गणेश बहुत कम देखने को मिलते हैं हमें बेगम बाज़ार में। यूजुअली पहलवान गणेश बहुत फेमस है, बट डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट में ये लोग पहलवान गणेश बिठाते। मेरे पिछले वॉक में भी आपने देखा होगा एक पहलवान गणेश, पर उसका कॉन्सेप्ट और पूरा एक डिफरेंट था, भारत माता के कॉन्सेप्ट में था। पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये गणेश। ज़्यादा इसके अंदर डेकोरेशन नहीं किया इन्होंने, एक सिंपल गणेश जी का स्टैंडिंग आइडल खड़ा किया। तो इसलिए मैं जैसे कहता हूँ, मेरे चैनल में आपको सिर्फ यूनिक आइडल्स देखने को मिलेंगे। ये आइडल भी बहुत ही सिंपल और यूनिक है, ऐसे आइडल्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर के लिए। तो अभी के लिए बेगम बाज़ार में ये आइडल के साथ इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री गणेशा।